हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका T2MRHD हिंदी में। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी 5 बॉलीवुड मूवीज़ हैं जो 2018 में आई थी और जिन्होंने तबाही मचा दी बॉक्स ऑफिस पर नहीं हमारे दिमागों में। जी हाँ, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आई थिंक वर द टॉप 5 वर्स्ट बॉलीवुड मूवीज़ ऑफ 2018। जी हाँ, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द 5th मूवी ऑन दिस लिस्ट। अब ये मूवी को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन ये तो नहीं थी कि ये बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि ये एक डिसेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉच होगी। ये मूवी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज वाजपेयी स्टारर अय्यारी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे नीरज पांडे। अब मैं बहुत ही एक्साइटेड था इस मूवी को लेकर, एंड इस पूरी मूवी के दौरान नीरज पांडे ने मेरी वो सारी की सारी एक्साइटमेंट तोड़ी और मैंने अपने सर के सारे बाल। अब कंफ्यूज डायरेक्शन और नरेटिव की वजह से ये फिल्म बहुत बड़ी बोर फेस्ट बन जाती है, और ये कहने में मुझे हल्की सी भी हिचक नहीं होगी कि ये नीरज पांडे के करियर की सबसे घटिया फिल्म थी। अब बढ़ते हैं नंबर 4 पोजीशन पर, और इस पोजीशन पर जो मूवी ने अपना कब्जा जमाया है वो है फन्ने खान। अब अनिल कपूर, राजकुमार राव और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे स्टार्स होने के बावजूद जो फिल्म बहुत बुरी तरह से पिटे, वो फिल्म कितनी बुरी होगी ये आप समझ सकते हैं। जब इस मूवी का पहला ट्रेलर आया था तो मुझे डिसेंट सी मूवी लग रही थी। ये तो नहीं लग रहा था कि बहुत रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट ऐसा लग रहा था कि अच्छी मूवी होगी जो बॉडी शेमिंग के इश्यूज को उठाएगी। लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए इस मूवी के लीड एक्टर्स को इतनी घटिया परफॉर्मेंस देने के लिए और इसके डायरेक्टर को इतनी घटिया स्टोरी सोचने और डायरेक्ट करने के लिए। एक सीधा साधा टैक्सी ड्राइवर अपनी बेटी के सपने पूरे करने के लिए किसी सुपरस्टार को किडनैप कर लेता है। आई एम स्टिल अमेज्ड ये कैसे सोच लिया राइटर ने। और बेबी सिंह जैसा नाम कौन देता है ऐश्वर्या राय बच्चन को यार, आई रियली कांट अंडरस्टैंड दैट। पर ये मूवी अगर समझ में आती तो शायद इस लिस्ट में ना आती। अब कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार फन्ने खान इटली सत्यमेव जयते और बागी 2 से तो अच्छी थी। तो मेरे भाई, अहमद खान और मिलाप जावेरी से मेरे को क्या उम्मीदें होंगी। एटलीस्ट यहाँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा से मुझे हल्की फुल्की उम्मीद तो थी कि वो एक अच्छी इमोशनल स्टोरी को प्रोड्यूस करेंगे, बट व्हाट ए मेस इट वाज। अब नंबर 3 पर आती है एक ऐसी मूवी जिसने भारत का नाम IMDB रेटिंग्स पे बहुत रोशन करा है। जी हाँ, IMDB रेटिंग्स में 1.3 स्टार्स के साथ लीड कर रही है नमस्ते इंग्लैंड, और इसीलिए हमारी लिस्ट में भी मैंने सोचा कि रखो यार इसे नंबर 3 पे। अब मैं सच कहूँ तो मैंने इससे पहले कोई भी बॉलीवुड कमर्शियल मूवी को 1.3 स्टार रेटिंग के साथ नहीं देखा IMDB पे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही जेनरस रेटिंग है। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस मूवी को 0 स्टार देता। अब नमस्ते लंदन वाज वन ऑफ माय फेवरेट रोमांटिक मूवीज, बट ये मूवी देखने के बाद यार सच में अब वो वाली मूवी देखने का भी दिल नहीं करता। इस फिल्म के बारे में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊंगा जिसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कितनी शानदार पिक्चर बनाई है हमारे डायरेक्टर साहब ने। अब इस फिल्म में हीरो अपने दोस्त को कहता है कि हीरोइन की सहेली को पटा ताकि तुम्हारी शादी में मैं हीरोइन को पटा सकूं। सबसे पहले तो सलाम हो ऐसे दोस्तों को और सलाम हो ऐसे शख्स को जो ऐसी सोच रखता है। और उसके बाद बात करते हैं फिल्म में परिणीति चोपड़ा के दादाजी की, जो एक ही शर्त रखते हैं शादी की कि परिणीति चोपड़ा नौकरी नहीं करेगी शादी के बाद। अरे शादी करके अपने घर जा रही है यार, वो जो मर्जी करवाएं ना करवाएं तुझे क्या टेंशन है, पर बुड्ढे को चैन नहीं है। अब तीसरी बात यह है कि शादी के बाद परिणीति चोपड़ा चाहती है लंदन जाके नौकरी करे और लंदन में सेटल हो जाए। अब अर्जुन कपूर को लीगल तरीके से वीजा नहीं मिल पाता फॉर सम रीजन। अब इलीगल तरीका क्या बचा होगा सोचो दोस्तों। इलीगल तरीका अब यही बचा है कि परिणीति चोपड़ा किसी ब्रिटिश सिटीजन से शादी करे और बाद में तलाक लेकर फिर अर्जुन कपूर को बुला ले और फिर हंसी खुशी दोनों रहें लंदन में, जो थैंकफुली अर्जुन कपूर नहीं मानता। और परिणीति चोपड़ा अपने पति को छोड़ के नौकरी के पीछे लंदन भाग जाती है। मतलब डायरेक्टर कैसी घटिया शिक्षा दे रहा है यार लड़कियों को। लेकिन ये फिल्म आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। वो मैसेज ये है कि खपती लड़की से शादी करोगे तो आपकी जिंदगी नरक है भाई। अब इस खपती को छोड़कर अगली खपती पे, मेरा मतलब अगली पिक्चर पर चलते हैं। हाँ, इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती है Race 3। अब टेक्निकली नमस्ते इंग्लैंड Race 3 से ज़्यादा बुरी पिक्चर थी, लेकिन क्योंकि Race 3 इतने बिग बजट की पिक्चर थी, सलमान खान थे, इतने बड़े बड़े नाम और भी थे, नहीं वैसे सलमान खान ही नाम था बड़ा और कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक सलमान खान स्टारर जो ईद पे आ रही हो और जो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का नाम लेकर मूवी बन रही हो रेस, उससे आपकी उम्मीदें बहुत होती हैं और इस फिल्म ने चुन चुन कर उन उम्मीदों को तोड़ा है। लगता है इस मूवी के गानों के लिरिक्स के साथ साथ इस मूवी की स्टोरी भी सलमान भाई ने लिखी है, क्योंकि मूवी के ट्विस्ट हमें क्या साला डायरेक्टर तक को समझ नहीं आ रहे।
पांच तो एंट्रियां हैं सलमान खान की इस पूरी मूवी में, फिर मर के दोबारा आ जाते हैं, और एंड में मूवी के सलीम और डेजी शाह को कोई कहानी बता रहे होते हैं बैक स्टोरी, और बैक स्टोरी में कैमरे को देख के भाई आंख मारते हैं। 3D टेक्नोलॉजी हो तो ये वाली होनी चाहिए मूवी में, नहीं तो ना हो। एक बहुत ही वाहियात मूवी बनाई है ये रेमो डिसूजा ने। अब मेरे हिसाब से रेमो डिसूजा से लाइसेंस छीन लेना चाहिए एक्शन मूवीज बनाने का, और उन्हें अपना फोकस सिर्फ डांस मूवीज पे लगाना चाहिए। अब फाइनली बात करते हैं द वर्स्ट बॉलीवुड मूवी ऑफ 2018। अब मुझे पता है कि आपको पता है कि मैं कौन सी मूवी आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की। देखिए, इस मूवी को लेकर मेरे सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस उसी टाइम चकनाचूर हो गए जब मुझे पता लगा कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं विजय कृष्ण आचार्य जी, जिन्होंने महान पिक्चर धूम 3 को डायरेक्ट किया था और हमारे सिरों में दर्द कर दिया था। उन्होंने स्पेशल देखने गया था मैं धूम 3 थिएटर्स में, ये सोच के कि धूम 2 के बाद एक बहुत ही बड़ा लीप लेगी क्योंकि आमिर खान है उसमें, लेकिन धूम 3 निकली इतना बड़ा सरदर्द। और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मैंने दोबारा से करी जब मैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखने गया और उसको देखकर मुझे और भी बड़ा सरदर्द हो गया। और इस मूवी को कर बच्चन साहब भी बहुत दुखी हैं, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ पे एक वीडियो का लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उस वीडियो को देखिए, आपको उनका दर्द समझ आएगा। वैसे इस मूवी से ज़्यादा वाहियात मूवी थी नमस्ते इंग्लैंड, लेकिन इस मूवी को मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह है इतने सारे पैसे वेस्ट करके लोगों को सरदर्द बांटना। अगर घटिया फिल्म बनाना है गुना तो ये कबूल है सजा। हाय, अरे क्या पिक्चर करवा दी यार ये आमिर खान ने हमसे। एनीवेज, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। जब भी आप हमारा एक वीडियो शेयर करते हैं तो हमारे वीडियो के लिए व्यूज और हमारे चैनल के लिए सपोर्ट दोनों हमें मिलती है, तो प्लीज डू शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स इफ यू लाइक इट। और प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू वॉन्ट टू वॉच मोर सच वीडियोज। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने मोबाइल्स पर मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ वो जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाइए। हम मिलते हैं।